अब हम जिस क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन अपने में ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कैसे? बात को समझते हैं। कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टू वाई माइनस एक्स, ये ब्रैकेट में दिया गया है। हमसे वैल्यू पूछी जा रही है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा, विकल्प ये दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत करेंगे इस प्रश्न को हल करने की, विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, इसकी अपनी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो भाई इसको हटा देते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे डायरेक्ट। भाई एक्स स्क्वायर है ओके, प्लस वाई स्क्वायर है ये भी ओके है, प्लस जेड स्क्वायर है ये भी ओके है, प्लस टू है इसको रहने देते हैं। टू सेंटर इधर मल्टीप्लाई कराता है, टू वाई माइनस टू एक्स मिलेगा, इसको इधर उठा लाओ। अब क्या होगा? होगा ये कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये आएगा प्लस, प्लस क्या बनेगा, टू एक्स बनेगा, और ये जो अपने पास दो है इसको दो भागों में बांटो, क्या करो वन प्लस वन करो ओके, दो को वन प्लस वन करो, इसके साथ में रखो एक, ब्रैकेट बंद कर दो, इतना हो गया। साथ में अब वाई स्क्वायर है, प्लस में है वाई स्क्वायर, इसका टू वाई इधर आएगा तो माइनस टू वाई हो गया ओके, और इसका जो एक अभी बचा था इसके साथ में रखो प्लस वन, और ये कोष्ठक बंद करो। जेड स्क्वायर बचा है, प्लस जेड स्क्वायर बचा है, और यहाँ पे ऐसा कोई अंक अब नहीं बचा है जो इसके साथ आ सके, जाने दो, इसको जीरो के बराबर करके इसे कर देते हैं बराबर, उस पर कुछ नहीं बचा है। अब ये इसकी विशेषता है, इसको ऐसे ही देखना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि आपका क्या मिल रहा है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर बन रहा है, यानी एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ये बनेगा, क्लियर बात। प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर माइनस टू टू वाई बन रहा है, यानी कि ये माइनस वाला सूत्र बनेगा, यानी कि ये वाई माइनस वन होल स्क्वायर बनेगा। उसके बाद इधर तो अपन यहाँ पे देख ही रहे हैं कि जेड स्क्वायर बराबर जीरो हो रहा है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। अभी ये जीरो के बराबर कब आएगा, जीरो के बराबर ये पूरा कब होगा ये देखो, अगर x का मान अगर आपको माइनस एक मिलता है तो माइनस एक रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो मिलेगा। और y का मान यहाँ ये पूरा पद जीरो कब होगा, जब y का मान आपको प्लस एक मिलता है ठीक है। और ये जीरो कब होगा, ये पूरा मटेरियल जीरो कब होगा, जब आपको z का मान जीरो मिलेगा। ये स्थिति समझ में आई? यहाँ पे हमको कोई भी स्पेशल रूल, विशेष तरह रूल नहीं लगाना है, हमको ऐसे ही समझना होगा कि ये ऐसा कब हो पाएगा। तो ये पूरा जीरो तब हो पाएगा जब x बराबर माइनस एक मिले, y बराबर प्लस एक मिले और z बराबर जीरो मिले, तभी ये पूरा हल करने के बाद जीरो मिल पाएगा। इस वजह से इन इन मानों को हमने यहाँ पे हल के रूप में ले लिया है। अब यहाँ पे चूंकि क्यूब का मान निकालना है तो रख देते हैं, माइनस वन की क्यूब हो जाएगा, तो भाई एक्स क्यूब यानी माइनस वन की क्यूब प्लस यहाँ पे वन की क्यूब हो जाएगा और प्लस जेड जीरो की क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे माइनस वन मिलेगा, यहाँ पे प्लस वन मिलेगा, यहाँ पे जीरो, ये वाला पूरा कट गया, कितने बराबर आ गया, पूरा का पूरा आ गया जीरो। आपका पहला विकल्प हो गया सही। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दिया गया है, और हमसे पूछा गया है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, इसके पूरे की वैल्यू कितनी होगी। आइए चलिए देखते हैं, शुरुआत करेंगे हम यही जो दिया गया है इसे से देखेंगे। हमको यहाँ पे देखना है क्या, x प्लस वाई, अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ से देखो भाई, ध्यान से देखो, x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, z उधर चला जाएगा तो माइनस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड मिलेगा, वाई रख दो, क्या रखेंगे, माइनस जेड रख दिया, गुणते वाई प्लस जेड, y प्लस जेड जब लोगे तो x उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स मिल जाएगा ओके। उसके बाद जेड प्लस एक्स जब लेना है तो y उधर जाएगा और वो हो जाएगा गुणते माइनस वाई, और नीचे x प्लस वाई, सॉरी प्लस नहीं है, गुणे में z है ही, तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा, ये सब गुणे में ही, ध्यान दीजिएगा ये सब गुणे में, ये मत सोचिएगा कि ये प्लस हो रहा है माइनस माइनस ये क्या जा रहा है, ऐसा होगा। अच्छा ये दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस एक माइनस बचा रहेगा वो रख देंगे, और यहाँ पे पूरा हो रहा है भाग, हमारा आंसर कितना आएगा, एक माइनस एक,
तो आंसर क्या रहा हमारा माइनस एक रहा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन है ऐसे तो इसमें मत देखेंगे x प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है 2z और आपसे पूछा जा रहा है वैल्यू x अपॉन x माइनस जेड प्लस जेड अपॉन वाई माइनस जेड इसकी वैल्यू क्या होगी हमको बताना है। एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूं कि ठीक है करेक्ट है तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ये दिए गए हैं कैसे करेंगे इसको बहुत ही मुश्किल से लग रहा है बट एक छोटी सी बात है हम यहाँ से शुरू कर देते हैं समझ लेते हैं। यहीं से देखो ये जो हिस्सा दिया गया है यहाँ पे 2z का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2z का मतलब हो गया z प्लस z। अच्छा एक z को इधर भेज देंगे तो x माइनस z दिखाई देगा, y को उधर भेज देते हैं तो यहीं से अगर हम समझेंगे तो x माइनस z हुआ, एक z यहाँ पे था y इधर जाएगा तो y हो जाएगा, यानी x माइनस z जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो बराबर है z माइनस y के, इज इक्वल पूरा पूरा इक्वल है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, क्या रख देते हैं हमने x अपॉन रख दिया z माइनस y और यहाँ पे देखो y माइनस z है ठीक इसी का अपोजिट मतलब उल्टा थोड़ा सा दिया गया। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये z ऐसे रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा z माइनस y हो जाएगा। क्लियर बात, और छोटी सी बात है नीचे z माइनस वाई जब बराबर हो रहे हैं तो हम उसको z माइनस वाई को एक बार लिखेंगे और ऊपर लिख लेंगे x माइनस z। ये भी क्लियर बात, बहुत ही आसान सी है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि x माइनस z इक्वल टू z माइनस वाई था तो z माइनस वाई की जगह पे x माइनस z रख सकते हो, ऊपर x माइनस z है नीचे भी x माइनस z आ गया पूरा पूरा कट जाएगा क्या बचेगा 1। बहुत छोटा सा और छोटी सी सवाल रही, पहला विकल्प आपका सही हो गया है, एक नंबर एक आएगा इसका आंसर। ठीक है सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है हम देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिखाई दे रहा है 2x इक्वल टू दिया है a प्लस 3 और हमें वैल्यू जो निकालनी है वो है 8x³ - 18ax, इसका पूरा मान हमको निकालना है और हम यहीं से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे थोड़ी सी समझने वाली बात होने वाली है, चलिए बात को देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहां से देखो भाई अगर इससे अंदाजा लगाओ तो क्या इसका घन हो रहा है, घाते 3 हो रही है, जाहिर सी बात हो रही है, बट ये कहां से मिला है, ये मिला है ax मतलब a और ax साथ में गुणा हुआ होंगे तो अगर इसको हम दोनों पक्षों को वर्क कर देते हैं तो ये तो मिल जाता बट यहाँ पे 18ax नहीं मिल पाने वाला है, थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी बट हम क्यूब तो करेंगे ही करेंगे पर थोड़े से बदलाव के साथ। कैसे बदलाव करेंगे, a को इधर ला दो भाई तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस a इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अभी जब हम यहाँ पे दोनों पक्षों का घन करेंगे यानी कि क्यूब करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी के दौरान आपको 18ax भी मिल जाएगा। कैसे लिखेंगे देखो भाई, पहले बात तो 2x क्यूब हो जाएगा फिर माइनस ए क्यूब हो जाएगा फिर माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3a यानी कि 2x बी यानी कि a और कोष्टक में a माइनस बी यानी कि 2x माइनस a इतना हो गया, इतना हो गया। इधर वाला क्या करेंगे 3 × 3 = 9 = 27 हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करो यहाँ पे 2 × 2 = 4 × 8x³ मिल गया, ये हिस्सा तो हमें मिल चुका है, अभी ये वाला खोजना बाकी है। खोजते हैं माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर को उधर भेज देते हैं बराबर के उस पार, ए स्क्वायर प्लस में हो जाए और यहाँ पे प्लस 27 हो जाए। ठीक है ऐसा कुछ मतलब सॉरी यहाँ पे क्यूब था स्क्वायर नहीं, ठीक है ऐसा कुछ मिल जाएगा। अभी यहाँ पे नीचे वाले इसमें थोड़ा सा देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो 3 × 6 ax हो जाएगा माइनस 6 ax हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 2x माइनस a है। ओके अब यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है कि यहाँ पे ये कैसे होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2x माइनस a जो था यहाँ पे हमने 2x माइनस a के बराबर 3 लिया था पहले तो वही हम यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 8x³ माइनस 6ax। देखो भाई यहाँ पे गुणा कराते तो घाते x की घाते 2 हो जाती, a की घाते 2 हो जाती पर हमें जो चाहिए था वो तो नहीं मिलता ना, तो याद करो जब हल कर रहे होते हैं तब ऐसा हम करते हैं तो इसके बराबर 3 था यहाँ पे हम 3 रख देते हैं तो 36 हो जाता है 18ax हो जाता है माइनस यहाँ पे लगेगा और ये 8x³ हो जाएगा और ये पूरे किसके बराबर हो रहा है a³ + 27 के, आंसर आ गया ना।
थोड़ा सा मुश्किल सवाल मुझे लगी, बट ठीक है आगे जल्दी से। सो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। दिखाई दे रहा है? हाँ सब दिखाई दे रहा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 15। एक और पांच मिलकर के 15, तीन लोगों को जोड़ने पर 15 है। कहा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है? 77, यानी कि 77 सही है। और हमको निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी। विकल्प ये रहे चार, चार ही विकल्प हैं, एक दो तीन चार विकल्प हैं। क्वेश्चन का हल कैसे करेंगे? मुझे नहीं याद है ये सूत्र इतना लंबा से कैसे होता है, बट इसी वजह से मैंने लिख लिया है। बट मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि इसको याद किया जाता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। आई थिंक अगर इतना याद होगा तो आप इसको लिख पाएंगे। मैंने यहाँ पे टू ए बी टू बी सी टू सी ए जो होता है ना उसको कॉमन ले लिया है। क्यों? मेरी मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये जो निकालना है वहां पे बन जाए, इसके वजह से टू कॉमन लेना पड़ेगा। अब मेरी मर्जी ये भी कहती है कि मैं उसको इतना लंबा ना लेकर के मैं टू ए लिख लूं। हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है? ये दिया तो है यार 15 दिया गया, यानी कि 15 स्क्वायर आ गया। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 77 प्लस टू ए तो हो गया, ठीक है। 15 में आई थिंक 225 होता है, 77 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर 2 ए। घटाओ भैया, मुझे घटाना तो आता ही नहीं है। चलो इधर लिख करके घटा लेते हैं। चलो बुलावा आया है। 15 में से 7 गेन, 8, 7, 15 होते हैं मेरे ख्याल से, यहाँ पे 8 बचने चाहिए। उसके बाद हासिल लो 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया, 7, 4, 11 होता है, यानी कि आई थिंक 4 बचना चाहिए। और यहाँ पे 1 बचा है, यानी कि 148। यहाँ पे 148 इज इक्वल टू 2a मिल रहा है। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8, यानी a बराबर क्या मिल रहा है? 74। यही तो हमने a के बराबर लिया था, तो ये किसके बराबर हो गया? 74 के, यानी ये वाला विकल्प हो गया सही। उत्तर आया। इतनी आसान सवाल का अगर जवाब नहीं आया ना तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए, कुछ विशेष बात नहीं, बस सही है, सूत्र याद रखो आ जाएगा। एक बड़ी लंबी मोटी खाते पीते घर की सवाल आ गई हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 बड़ी संख्या होती भी है तो सवाल भी बड़ी है। इस प्रश्न में ऑप्शन ये हैं छोटे छोटे, कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? उतने ध्यान से देखेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन b माइनस सी सी माइनस ए एंड b माइनस सी स्क्वायर अपॉन c माइनस a माइनस बी एंड c माइनस a होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी b माइनस सी, क्या हो रहा है इसमें? तो भाई ज्यादा झमेला नहीं लेते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात। तरीके दो तरीके में समझाने की कोशिश करूंगा, एक भी तरीका अगर समझ में आ गया तो बस बेड़ा पार हुआ। पहला तरीका क्या है? एलसीएम ले लो, लघुत्तम। किसका? हर का लघुत्तम लेते हैं और किसका लेते हैं? यहाँ पे देखो सी बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी और बी माइनस सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए के अलावा कुछ और दिखाई दे रहा हो तो बताओ, नहीं दिखाई दे रहा ना? बहुत सिंपल सी बात है, ये हो गया, ये तीन पद इनके एलसीएम हो गए, लघुत्तम हो गए। अब यहाँ पे देखो इससे मैच कराओ, b माइनस सी दिखाई दे रहा है, c माइनस ए दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा उससे ऊपर गुणा, ठीक है, उससे ऊपर गुणा। यही तो होता है, यही तो होता है भाई, 1/2 + 3
पांच लेते हैं तो लघुत्तम कितना हुआ, पांच दुनिया दस हो गया, इससे करते हो भाग, दो पंचे दस, पांच ऊपर करते हो गुणा, ठीक है। तो यहां से हमने क्या है इसमें भाग, तो ये दोनों गिनतियां कट गई, ये बचा ऊपर गुणा, बहुत सिंपल सा काम है। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, a माइनस बी होल क्यूब कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर इतना समझ में आ गया तो दूसरा तरीका भी यही लगे हाथों तो समझ लो। ये है कि भाई देखो यहाँ पे ए बी माइनस सी सी माइनस ए है, बस ए माइनस बी हमारे पास नहीं था, हम ए माइनस बी से नीचे और ऊपर गुणा करा देते, ऊपर क्यूब हो जाता, नीचे ए माइनस बी आ जाता। वही सेम चीज यहाँ पे बी माइनस सी की कमी है तो बी माइनस सी से ऊपर नीचे गुणा करा देते, यहाँ पे सी माइनस ए की कमी है तो ऊपर नीचे गुणा करा देते, तो इधर भी क्यूब आ जाता, क्यूब क्यूब आ जाते, नीचे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, तीनों में बराबर आ जाता। जो हम काम लघुत्तम में लेकर के करने वाले हैं वो ऊपर नीचे गुणा करके कर लेते हैं, लेकिन काम वही होता, उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो कर लिया इतना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बहुत सिंपल से चलते हैं, b माइनस सी होल क्यूब मिलता और c माइनस ए होल क्यूब मिलता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक बस यही दिक्कत होगी, कहोगे सर ये सी है कि ई है। यस, हो गया। इतना समझ में आया हो तो आप एक बात ये भी जान लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर ए बी, नहीं थ्री ए बी सी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी होता है तब जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो। तो क्या ये कंडीशन यहाँ मैच करती है, चेक कर लेते हैं। इनका 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 अगर प्लस करोगे, सम करोगे, जोड़ करोगे, योग करोगे तो ए और ए तो कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, यानी कि लड्डू बचेगा, यानी कि ये कंडीशन इस पे फॉलो हो रही है। तब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला बन जाएगा थ्री ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस a अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, लिख लिया। और मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट काम, काटना काटना काटना, कितना बचा, तीन, हो गया आंसर खत्म। इतनी बड़ी सवाल का इतना छोटा आंसर। चलो तो एक छोटी सी सवाल के साथ फिर से आ जाए, अब देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या है, कहा गया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू टू, ऐसे में आपको करना है कि अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एक्स का मान क्या होगा। बहुत सिंपल से तरीका लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, दो तरीके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, दोनों तरीके बहुत ही ज्यादा सही है और उत्तर आने की 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए पहले बेसिक तरीके से शुरू करते हैं भाई। यहाँ पे देखो कि अगर इसका वर्ग करते हो तो अंडर रूट हट जाता है और घाती एक आ जाती है, तो उसको करने के लिए हमें करना बस इतना सा होगा कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं ये पूरा a है, और ऐसे में जब हम यहाँ पे होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट x का स्क्वायर करके क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। याद रखना होगा, समझना होगा बातों को, मैं डायरेक्ट करता हूँ तुरंत, मतलब हर कोई डायरेक्ट करना चाहिए, मतलब उसे डायरेक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होते रहो कि सर स्क्वायर कहाँ गया, अंडर रूट कहाँ गया, दोनों हटा के आपने एक्स अकेले लिख दिया, भाई हो जाता है। अंडर रूट और स्क्वायर जब दोनों मिलते हैं तो एक घाते एक बन जाती है, और ऐसे ही यहाँ पे वन अपॉन एक्स मिल जाएगा और प्लस टू इंटू अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट एक्स मिल जाएगा, जो कि ए स्क्वायर के बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर एक्स जो एक्स और एक्स ऊपर नीचे है काट दिया हमने, तो x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर, और मैं यहाँ पे उसको उधर पक्षांतर क्यों कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है, प्लस टू ही रखो बराबर ए स्क्वायर रखो, क्योंकि हमको a की वैल्यू ही तो निकालनी है, ठीक है, यही तो निकालना है, इसके बराबर तो दिया है दो, तो हमने रख दिया दो प्लस दो बराबर ए स्क्वायर, दो और दो जोड़ने पर हो जाएगा चार ए स्क्वायर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चार इक्वल टू चार, ये आंसर हो जाएगा भाई, सॉरी यहाँ पे दो गलती हो गई मुझसे, दो आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर बात। ये हो गया बेसिक तरीका जिससे आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब एक
ट्रिकी तरीका बता देते हैं जिससे आपको सवाल को इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत हल हो जाएगा। तो उसके लिए भाई हमको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है। हमने बस सिंपल सा क्वेश्चन देख लिया है, सिंपल से जो क्वेश्चन का मतलब जो हमको फाइंड करना है वो देख लिया है। अब ये देखने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे एक्स के एलिफ एक कोई एक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, हमको माननी है, सोचनी है, समझनी है, जिसको रखने के बाद यहाँ पे दो आ जाए। हम ले लेते हैं बहुत ही सिंपल सा काम, एक्स बराबर एक, यहाँ पे एक रखोगे तो एक मिलेगा, प्लस एक बटे एक मिलेगा जो कि मान एक के बराबर ही होगा, और एक जोड़ने पर क्या दो हो रहा है, हो रहा है। काम जब बन जाए, ठीक है, एक रखने पर यहाँ पे काम ये पहली शर्त को पूरा कर रहा है। तो जो हमारा यहाँ पे एक रखने पे काम हुआ वही एक यहाँ पे रख दो। यहाँ पे रखोगे एक का वर्गमूल कितना मिलेगा, एक, प्लस एक बटे एक का वर्गमूल कितना मिल जाएगा, एक, जो कि एक प्लस एक के बराबर आखिर में फिर से दो आ जाएगा। आ गया दो, ये रहा आपका आंसर दो, तुरंत मिल जाएगा बिना किसी देरी के, और ज्यादा कुछ सोचना समझना भी नहीं है। हाँ बस ये इसकी सीमाएं हैं इस ट्रिक के कि कई बार ये काम नहीं कर पाता है और हमारी प्रेडिक्शन जो होती है गलत हो जाती है। हमारी कल्पना अगर गलत हो गई तो हमारा आंसर मिलना और भी ज्यादा दूर होता चला जाता है। तो इस वजह से ज्यादा भरोसा इस पुराने मेथड से कीजिए। ये वाला अब एक बार इसे तुक्का लगाइए, अगर काम बनता है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला लगा दीजिए तुरंत, ठीक है। ये सोचने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेकंड का समय लीजिए, और आंसर अगर मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो इस पर तुरंत लगा दीजिए। ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। तो भाई एक और सवाल लेकर के आ गए हैं, चलो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। बयालीस नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 दिया गया, और हमको वैल्यू जो निकालनी है वो इतना लंबा कुछ है 2x² + 2 / 3x² + 5x + 3 = कितना होगा। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो देखो वही है, सेम टू सेम वही है। क्या है, x बराबर 1 मान लो भाई, यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे, 1 + 1 = 2 हो रहा है, यानी 1 पे काम हो रहा है ना। जब x बराबर 1 पे आपका काम हो रहा है तो यहाँ पे सब जगह 1 रख दो। क्या रखो, 2 × 1 = 1 + 2/3 × और यहाँ पे 1 × 2 = 1 हो जाएगा, +5 × 1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 × 3 = 3, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 11। आंसर मिल गया, तुरंत मिल गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे इसको कर लेना है। लेकिन सर ये तो चलिए आसान था, हो गया, बट ये अगर हमको नहीं समझ में आएगा तो कैसे करेंगे। तो भाई उसका भी जवाब चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी होगी और यहाँ पे रख देनी होगी। यहाँ वाला काम चाहे आप ऐसे करें x को मान करके, या फिर हल करके निकाल के करें, ये तो आपको वही करना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। तो यहां से देख लेते हैं x की वैल्यू निकालेंगे कैसे। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ पे लघुत्तम लो भैया, क्या मिलेगा x, इधर हो जाएगा x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसको इधर गुणा कराओ, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, इसको इधर उठा लाओ, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपको क्या समझ में आ रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या हो रहा है, ये एक समीकरण बन जा रहा है, द्विघात समीकरण। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला काम बन जा रहा है, आप ऐसे गुणनखंड कर सकते हो, बाकी आप ऐसे कर सकते हो x स्क्वायर माइनस x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आप यहां से कॉमन ले सकते हो x, तो x माइनस 1 मिलेगा, और यहां से माइनस 1 कॉमन लोगे तो x माइनस 1 मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0। दोनों ही स्थितियों में जब 0 हो रहा है तो x माइनस 1 बराबर जब 0 आप करोगे तो आपको x बराबर प्लस 1 ही मिलेगा, दोनों ही स्थितियों में वही मिलेगा, इस वजह से x का मान 1 आपको मिल रहा है। आपने कारण समझ लिया कि x का मान ऐसे जब बेसिक तरीके से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बाकी आप मान करके कर सकते हो काम को। तो आंसर तो आपको ऐसे ही मिलने वाला है, सो आपको मिल गया होगा जवाब।